दोस्तों, कनखजूरा दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि ये उन शिकारियों में से है जो हमेशा जीतना जानता है। अगर बात करें इसके आकार की तो ये जंगली कनखजूरा दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है जिसका आकार 12 इंच तक होता है। आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे क्रूर शिकारी हैं जो हमेशा बड़ा शिकार हासिल करने की ताक में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जंगली कनखजूरों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि स्तनधारी जीवों के बीच अपना आतंक मचाए हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कनखजूरे इस पृथ्वी में लगभग करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं और अगर बात करें इसकी प्रजाति की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 8000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। ये जंगली कनखजूरे बहुत ही बड़े और विशाल होते हैं जिसके पास नुकीले डंक और खतरनाक पंजे होते हैं जिसमें बहुत ही खतरनाक जहर मौजूद होता है। ये कनखजूरे सिर्फ गर्म और आर्द्र जलवायु में रहना पसंद करते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका और आसपास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन कनखजूरों के शरीर में 20 से ज़्यादा खंड बने होते हैं और प्रत्येक खंड में पैरों की अलग अलग जोड़ी मौजूद होती है। पैरों की अधिकता होने के कारण ये कनखजूरे तेज गति और लगभग किसी भी सतह पर चलने में सक्षम होते हैं। जब इनके शरीर का पूरा विकास हो जाता है तो इनके पैरों की जोड़ी लंबी और नुकीली हो जाती है जिसके कारण कोई दूसरा शिकारी इन पर हमला करने से पहले कई बार सोचता है। इसके सामने के पैर बहुत ही बड़े, तेज और नुकीले होते हैं जो एक घातक हथियार के रूप में काम करते हैं। ये कनखजूरे उन शिकारियों में से नहीं हैं जो अपने शिकार को चुनकर मारते हैं बल्कि ये उन शिकारियों में से हैं जो अपने शिकार को उसी के इलाके में ढूंढकर मार डालते हैं। आपको बता दूं कि इन कनखजूरों का शरीर एक मजबूत कवच की तरह काम करता है और इसीलिए ये अपने से कई गुना बड़े और भारी शिकार पर बिना किसी डर के हमला कर देते हैं। जब ये अपने शिकार को अपने पैरों से जकड़ लेते हैं तो ये अपने नुकीले पंजों को उसके शरीर में घोप देते हैं जिसके बाद वो शिकार इनके जहर के कारण पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है जिसके बाद ये धीरे धीरे अपने शिकार को अपनी कुंडली में लपेटकर उसका दम घोंटते जाते हैं और इस काम में इनके पैरों की जोड़ी एक शक्तिशाली हथियार के रूप में काम करती है और यही कारण है कि इनके शिकार के बचने की संभावना बहुत कम होती है जिसके बाद ये इसे तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं कि इन कनखजूरों का शिकार मेंढक, सांप, बड़ी मकड़ियाँ, पक्षी, छिपकली और वो सभी जीव बन सकते हैं जो इन सभी प्राणियों के आकार के बराबर होते हैं और इसीलिए इस तरह के खतरनाक शिकारी से मिलने पर उड़ान ही सबसे अच्छा समाधान बन सकता है। इस कनखजूरे की दृष्टि बहुत ही कमजोर होती है जिसके कारण ये सिर्फ शिकार की रोशनी और छाया को ही देख पाता है लेकिन इसके अलावा इनके पास विशेष एंटीना भी मौजूद होते हैं जो ना सिर्फ इन्हें शिकार को महसूस करने में मदद करते हैं बल्कि इन्हें शिकार का पता लगाने में भी मदद करते हैं। आपको बता दूं कि इनके एंटीना हवा के संपर्क में आकर इनके आसपास मौजूद शिकार का पता बता देते हैं जिसके कारण ये बड़ी आसानी से अपने शिकार तक पहुँच जाते हैं। इन कनखजूरों के लिए रात के समय शिकार करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि अंधेरे में इनके शिकार को भी इनके आने का पता नहीं चलता जिसके कारण ये अपने एंटीना की मदद से धीरे धीरे अपने शिकार तक पहुंचकर उसे दबोच लेते हैं। अब इस शिकारी को चमगादड़ों के झुंड का पता चल चुका है जिसके बाद ये धीरे धीरे इनकी गुफा की तरफ बढ़ता जा रहा है लेकिन इन चमगादड़ों ने भी इस खतरे को महसूस कर लिया है और जैसे ही ये शिकारी गुफा की छत पर पहुंचता है तो ये उस छत से लटककर तब तक इंतज़ार करता है जब तक कोई शिकार इसके पास ना आ जाए और जैसे ही एक चमगादड़ इसके पास पहुंचता है तो ये उसे दबोच लेता है जिसके बाद ये अपना जहर छोड़कर उसे लकवाग्रस्त कर देता है। ये कनखजूरे बहुत ही घिनौने होते हैं और ये उन शिकारियों में आते हैं जो हमेशा भूखे रहते हैं। आपको बता दूँ कि इन कनखजूरों को अपना शरीर चलाने के लिए अपने वजन से 2 गुना भोजन की ज़रूरत होती है और बढ़ते समय के साथ इन कनखजूरों की सभी प्रजातियां अपनी त्वचा को बदलती जाती है क्योंकि बदलती त्वचा
इनके शरीर को और भी मजबूत बनाती है। और जैसे ही ये अपनी त्वचा को बदल लेते हैं, उसके बाद ये अपनी छोड़ी हुई त्वचा को खा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने खतरनाक और जहरीले शिकारी के भी बहुत से दुश्मन होते हैं, और उनमें से एक है 20 सेंटीमीटर लंबा कनखजूरा, जो कि एक बड़ी प्रजाति है। इन कनखजूरों के इलाके में ये ग्रास हॉपर चूहे भी मौजूद होते हैं, जो अक्सर इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये चूहे बहुत ही बहादुर और फुर्तीले होते हैं, जो इन खतरनाक शिकारियों पर हमला करने से नहीं डरते। ये चूहा बहुत ही अच्छा लड़ाकू होता है, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से इस कनखजूरे के हमले से बच जाता है। इसके अलावा इस चूहे पर इस शिकारी के जहर का असर भी जल्दी नहीं होता और ना ही इसे दर्द होता है, और अक्सर इनकी लड़ाई में इस चूहे के दांत इस शिकारी के शरीर में छेद कर देते हैं, और कभी कभी ये शिकारी इस चूहे का शिकार भी बन जाता है। आपको बता दूं कि कभी कभार ये ऐसे इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां ये खतरनाक शिकारी सांपों का शिकार बन जाते हैं, और ये खतरनाक कनखजूरे सांपों का मनपसंद भोजन होते हैं। ये कनखजूरा सांप के हमले से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि सांप भी इसी की तरह एक जहरीला प्राणी होता है, जिसके जहर का इस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इसके बदले में इसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन अभी इसके दुश्मनों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, जिसमें एक नाम इस बिच्छू का भी है, और आज ये बिच्छू इस कनखजूरे के रास्ते में आ पहुंचा है, जिसके बाद इन दोनों शिकारियों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। ये लड़ाइयाँ अक्सर अपने इलाके और दबदबे के लिए होती है। आपको बता दूं कि ये बिच्छू इस कनखजूरे के लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि बिच्छू के शक्तिशाली पंजे इसके मजबूत शरीर को आसानी से काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिच्छू हमेशा लड़ाई में नहीं जीतता, और वो भी तब जब वो आकार में अपने दुश्मन से छोटा हो। एक फुर्तीला कनखजूरा इसके खतरनाक पंजों से बच निकलता है, और इस लड़ाई के बीच दुश्मन की कमजोरियों का पता लगा लेता है, और जैसे ही इसे दुश्मन की कमजोरियों का पता चल जाता है, तो ये अपने खतरनाक जबड़ों से उसके कमजोर हिस्से को काट देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अचेत हो जाता है। लेकिन इस हालत में भी बिच्छू बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन तब तक कनखजूरे का जहर अपना काम कर चुका होता है, और ये कनखजूरा अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में इसके बहुत से दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी स्तनधारी जीव इस कनखजूरे पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने खतरनाक और डरावने होने के बावजूद इन कनखजूरों ने अपने आप को साबित किया है, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए एक अच्छे माता पिता साबित होते हैं, और उन्हें वयस्क होने तक अपने साथ रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनके लंबे समय का जीवन काल। अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इस कनखजूरे का जीवन काल 7 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर ये कनखजूरा आपको कहीं दिख जाए तो इससे दूरी रहिएगा, क्योंकि इसका काटना काफी दर्दनाक होता है। लेकिन इसके काटने से आपके जीवन को कोई खास खतरा नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही ये विशाल कनखजूरे इस प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण आसपास रहने वाले जीवों की संख्या नियंत्रित रहती है। इसके अलावा इस खतरनाक कनखजूरे को बहुत से लोग एक पालतू जानवर के रूप में भी पाल रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।